हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना थोड़ा सा ज्वेलरी कलेक्शन जो कि मेरे पास है। कुछ कलेक्शन था जो कि मेरी शादी में डला था और कुछ जो मैंने बाद में गिफ्ट के तौर पर मिले हुए थे। और आज मैं इसका जो भी मेरे पास है उनका रेट भी बताऊंगी और प्राइस भी बताऊंगी और कितने वेट में है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखते हैं कैसा कैसा कलेक्शन है मेरे पास, और कमेंट में बताना कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि मेरी ज्वेलरी जो शादी में डली थी वो कौन कौन सी है। और मुझे नहीं पता उनका वेट कितना है, लेकिन जो घर वाले बताते हैं, फैमिली के मेंबर बताते हैं कि इतने ग्राम के थे, ये इतने के थे, तो उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। और मेरी शादी के समय प्राइस क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले बात आती है जो मेरी शादी में डला था, ये था सुंदर सा हार जो कि मैं कभी भी नहीं पहनती, एक बार भी नहीं पहना है, यूं कि यूं रखा हुआ है। तो इस हार के वेट की बात करें तो ये है 2.5 ग्राम का, यानी कि 25, 2.5 तोले का है, यानी कि 25 ग्राम का है ये। और उस टाइम पर जो सोने का गोल्ड का रेट चल रहा था 32,000 पर कैरेट के अकॉर्डिंग था, तो ये 25 ग्राम का है। आप देख सकते हैं कैसा लगा, जरूर बताना। डिजाइन काफी अच्छी है और पहनने के बाद काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं नहीं पहनती कभी भी। उसके बाद मेरी शादी में ये एक रिंग डली थी छोटी सी, आप देख सकते हैं, और इसका वेट है वो 3.5 ग्राम है, ज्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी रिंग है, आपको दिखाई दे रही होगी, जूम करके दिखा दूंगी। ये रिंग थी, ये मैं साइड में रख देती हूँ। उसके बाद ये झुमके हैं, ये वाले जो 10 ग्राम के हैं, 1 तोले, 10 ग्राम में 1 तोला होता है। और उस समय आपको मैंने बता दिया गोल्ड का रेट 32,000 चल रहा था, तो ये वाले हैं 1 तोले के। इनकी डिजाइन कुछ खास नहीं है, लेकिन उस समय काफी अच्छे लगते थे क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में है। लेकिन मेरी सास बोल रही थी कि मैं जो कटोरी वाले बोलते हैं बड़े वाले वो बनवा के आई थी, लेकिन उस समय पर उन्होंने ये नहीं बनाई थी, सुनार ने इस तरह की बना दी थी। तो चलता है कभी कभार पहन लेती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ इनको भी मैं। उसके बाद जो शादी का है एक ये वाला है, ये मेरे नाना सास होता है ना, जिसके इनके मामा के घर से आया हुआ था, तो उनकी तरफ से ये दिए गए थे। इसके साथ कान के भी हैं और ये एक नेकलेस है, काफी सुंदर है ये भी, आप देख सकते हैं। बट ये गोल्ड का, प्योर गोल्ड का नहीं है, ये शायद सिल्वर के ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई है, अच्छा है, काफी बार पहना हुआ भी है, काफी अच्छा लगता है ये। तो एक ये था मेरा, ये थे इयररिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा सुई धागे बोलते हैं इनको, काफी अच्छे लगते हैं, बहुत बार पहने हुए हैं ये, मुझे मम्मी की तरफ से मिले हुए थे शादी में। और ये है बैंगल, ये 4 बैंगल हैं जो कि मेरी शादी में ही डले थे, जो काफी अच्छे लगते हैं, कुछ इस तरह का डिजाइन काफी चला हुआ था उस समय, और ये मैं काफी हर फंक्शन में एक बार तो जरूर डालती हूँ। उसके बाद एक ये नोलड का हार बोलते हैं इसको, आप देख सकते हैं, ये भी अगेन शादी में एक मौसी सास ने डाला था मुंह दिखाई के तौर पर, और अब ये थोड़ा काला हो गया क्योंकि ये भी सिल्वर का है, इस पर गोल्ड की पॉलिश की हुई है, जो काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद, हार फिर ये वाला और वो वाला पहनते हैं तो पूरा एक सेट बन जाता है और अच्छा लगता है। नीचे एक मंगल देख सकते हैं इसका डिजाइन, ये मेरी मौसी सास ने डाला था शादी में मुंह दिखाई के तौर पर,
ये सिल्वर का है और इस पर गोल्ड की पॉलिश की हुई है, लेकिन पहनने के बाद ही काफी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो ये छोटा सा था कलेक्शन जो कि मेरी शादी में डले थे, और शादी के बाद जो मैंने क्या क्या बनवाया है वो चीज मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट है ये मंगलसूत्र, इसका डिजाइन काफी प्यारा है, आप देख सकते हैं। चैन को पता नहीं क्या हो गया। ये मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट था जो मेरे हस्बैंड ने मेरी थर्ड एनिवर्सरी पर दिया था। काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद, पूरा लुक क्रिएट करवाता है ये मंगलसूत्र। और मैं काफी हर मैरिज में ये पहनती हूँ, डेली यूज में नहीं पहनती क्योंकि मुझे एक छोटा मंगलसूत्र बनवाना है। ये बड़ा है, ये अच्छा नहीं लगता डेली यूज में, लेकिन मैंने बनवा लिया था शौक शौक में। थर्ड एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड ने ये वाला। उसके बाद एक ये थी कंठी जो कि काफी अच्छी लगती है। ये है 15 ग्राम की है ये, और उस समय पर जो सोने का रेट चल रहा था वो 36,000 रुपये चल रहा था। ये मेरी 6th एनिवर्सरी पर दी गई थी, 6th पता नहीं 5th एनिवर्सरी पर ये भी गिफ्ट में मिली हुई है मुझे। आप देख सकते हैं कैसी लगी जरूर बताना। कैमरा कैप्चर कर भी रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो उसके बाद रिंग है, ये 2 रिंग देख सकते हैं, ये दोनों मेरे बर्थडे पर दी थी मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट में। फिर अगेन एक रिंग और है, ये मेरी सगाई की रिंग है, मैं भूल गई थी। और एक ये डायमंड रिंग है, ये काफी प्यारी लगती है, ये भी मुझे बर्थडे पर ही गिफ्ट में मिली थी। आप देख सकते हैं कैसी लगी, बहुत अच्छी है ये भी। इनका प्राइस मुझे मतलब वेट थोड़ा कम, 3 ग्राम 3.5 ग्राम 4 ग्राम से ऊपर कोई भी नहीं है, और उस समय पर जो सोने का रेट था वो 32 से 40 के बीच चला हुआ था। तो ये सारे मुझे गिफ्ट में मिले हुए हैं, ये जितने भी आइटम हैं सारे गिफ्ट में मिले हुए हैं। उसके बाद ये वाले छोटू छोटू इयररिंग हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने काफी कम पहने हैं, बहुत ही ज्यादा कम पहने हैं। ये मेरे बेटे होने पर मेरे मायके की तरफ से मुझे मिले थे। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? उसके बाद ये वाले हैं जो मैंने बनवाए थे अपने पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा जोड़कर, आप देख सकते हैं ये गोल है, बिल्कुल अच्छे लगते हैं पहनने के बाद, काफी अच्छे लगते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाती थी उस टाइम पर मैंने बनवाए थे, तब मैं ये पहनती थी, बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। उसके बाद ये 2 चैन हैं, और इसके ऊपर अलग से हैं बिल्कुल छोटू छोटू, वो मैं डेली यूज में पहनती हूँ, फिलहाल यहीं पर नहीं है, वो मेरी अलमीरा में थे इसलिए ये अलग से हैं। ये चैन कभी कभी डालती हूँ, लेकिन वो छोटू छोटू मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब पहन लेती थी। ये भी मैंने खुद बनवाए थे अपने। उसके बाद सबसे प्यारे इयर रिंग थे, लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले इसका एक इयर रिंग गुम हो गया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और ये इयर रिंग सबसे हैवी इयर रिंग थे मेरे, ये लगभग 6 ग्राम के थे, और उस टाइम पर सोने का जो रेट था वो अभी पिछले साल ही बनवाए थे, बहुत ज्यादा कम पहने थे, 2-3 बार ही पहने थे, और इसका एक गुम हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ये, लेकिन अब कोई काम का नहीं है ये। और एक इयर रिंग मैंने पहने हुए हैं, ये बिल्कुल छोटू छोटू हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो ये वाले झुमके, कैसे लगे? मजाक कर रही हूँ, गोल्ड के नहीं है ये, वैसे ही मेरी सास लेकर आई थी और मेरी सास मजाक कर रही थी कि ये तेरे लिए गोल्ड के झुमके बनवाए हैं, लेकिन ये जो कि गोल्ड के नहीं है, ये मेरी सास लेकर आई 2-3 दिन पहले ही,
सेल लगी हुई थी और बोल रही थी तेरे लिए गोल्ड के बनवाए, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं ये, वैसे ही हैं गोल्ड के नहीं है। इसके बाद एक ये है जो मेरे हस्बैंड की है, रिंग जो हमारी तरफ से मिली थी, मम्मी की तरफ से मिली थी उसको। और एक ये है, ये भी ब्रोंज का है, लेकिन पहनने के बाद आपके लुक को बहुत ही अच्छा बना देता है। इस तरह से बिल्कुल नेक के चिपक कर आता है। ये वैसे आर्टिफिशियल का है, सोने का नहीं है, जो पहनने के बाद काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह का अगर आपके पास है तो काफी अच्छा लगता है। इसे बिल्कुल नेक से चिपक कर एक भी पहनते हैं तब भी अच्छा लगता है। अगर ये पहनने के बाद एक मंगलसूत्र पहन लेते हैं तब भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा गोल्ड कलेक्शन, कैसा लगा जरूर बताना। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।